रीच्ड हियर बट आई फॉरगॉट टू क्लोज दीज। और ये बाल आज हम अलविदा कहेंगे। कुणाल को हो रही है क्योंकि उसके पास प्लेयर्स नहीं है। आज 5 महीने बाद जूते पहनूंगा। अगस्त का महीना आ गया, बारिश फिर भी चल ही रही है। कल 25 तारीख थी, आज 26 है। कल तक बारिश थी, आज हमारी छुट्टी है। हम इतने लकी है कि आज बारिश नहीं है। पिछले 5-6 महीनों में बहुत कुछ चेंज हुआ है, पर दो चीज़ ध्यान में रखते हुए बोलना चाहता हूँ कि लोगों के मन से कोरोना का डर और तुम्हारे भाई के बाल बढ़ गए। अभी लेके जा रहा हूँ कहीं तो, और आज बहुत सारे काम है। थोड़ा लेट उठा, मेरा मन तो था लाइक 5:30 उठने का और कहीं तो जाने का मॉर्निंग में 5:30 AM, पर हम उठ नहीं पाए, हमारा अलार्म बंद हो गया पता नहीं कैसे। खैर अब सॉक्स कैसे हैं मेरे? सोल स्टोर से मंगवाए थे पिज़्ज़ा वाले, और भी मंगवाए थे जहाँ पर ऐसे कार्टून्स के फेस बने, ऐसा मतलब पूरा फेस बना हुआ है ऐसे कुछ अलग अलग। गोरेगांव के यहाँ पर पहुँच गए। बाकी गाइस बाल बढ़ जाते हैं ना, एक ही दिक्कत होती है, ऐसे बाइक वाइक पे बैठो तो बाल ख़राब हो जाते हैं, मतलब ऐसा हेयर बैंड नहीं लगाया तो। बाय द वे एक सीन हो गया है, मैं बैठा था एक्टिवा पे, कुणाल चला रहा था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, दिखाता हूँ। ये मेरा जूता है, देखिए क्या सीन हो गया। तो यहाँ पर पास में दुकान थी तो फटफट जाके वहाँ पर से मैंने फेविक्विक ले लिया, तो अभी वो फेविक्विक लगाएंगे। मतलब ये धोए थे ना शूज़, तो शायद उस वजह से वो अंदर से ग्लू निकल गया, ऐसा कुछ हुआ रहेगा। और बाकी गाइस कुणाल आज पहली बार ब्लॉग करने वाला है, लाइक हमारे वजह से बहुत सारे ब्लॉगर्स बन रहे आ रहे हैं मार्केट में। तो तेरा चैनल का नाम तो इसने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, बस सोचा है कि ब्लॉग बनाएगा फिर चैनल का नाम सोचेगा। तो जो भी होगा बायो में लिंक दे दूंगा, बायो में नहीं सॉरी, मैं इंस्टाग्राम दिमाग में आता है, वीडियो प्रमोट करता हूँ ना अपलोड करने के बाद, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप लोग इसका वीडियो भी देख सकते हो। पहला वीडियो तो होगा अच्छा यार, मतलब सपोर्ट करो सबको। बाकी हम करते हमारा काम। ओह गिर जाता था अच्छा हो गया जूता पहना है मैंने, नहीं तो मैंने स्लाइडर्स वगैरह कुछ पहना रहता तो पक्का स्लिप हो जाता था। फेविक्विक लिया है, पता नहीं इससे चिपकता है कि नहीं, क्योंकि लास्ट बार ऐसे ही हो गया था, मैंने एक जूते के लिए फेविक्विक लिया था पर उससे जूता चिपका नहीं था। तो इससे हो गया तो बहुत सही बात है, नहीं हुआ तो देखेंगे कैसे क्या। बाकी गाइस ये वाले मास्क में ना बहुत सांस घुट सी जाती है, मतलब ऐसा सांस लेने नहीं होता है। तो अभी मैं ओबेरॉय के पास में हूँ तो सोच रहा हूँ यहाँ से एक मास्क ले लूँ कोई भी, मतलब अच्छा सा कॉटन वाला मास्क, क्योंकि ये वाले मास्क का मुझे समझ में नहीं आता मतलब क्यों ऐसे हवा रुक जाती है। तो बस वैसे ही अभी ये लगाएंगे और ये हम फेंकेंगे नहीं। आप भी ऐसे कुछ खाते हो या फिर कुछ लेते हो तो फेंका मत करो यार। ग्रीन मुंबई यार मैं लगा रहा था पर इससे मेरा जूता चिपक ही नहीं रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था। फेविक्विक से हम सोचते हैं कि जूते चिपकते हैं पर एक फैब्रिक होता है जो इससे चिपकता है, नॉट ऑल फैब्रिक। बाकी देखिए कुछ ऑडियंस हमारे साथ जुड़ गई है, देखिए मतलब रिकॉर्ड कैसे हो रहा है वैसे। तो अभी इसको हम डाल देंगे डिक्की में, और कहाँ पर हमें मोची दिखता है कॉबलर तो उससे हम ऐसे चिपका देंगे। बाकी वो अंकल क्या कर रहे हैं वहाँ पर? ओबेरॉय के यहाँ पर पहुँच गए, मतलब बाजू में ही थे, अभी लास्ट पार्ट जो शूट किया हम लोगों ने, तो अभी अंदर जाते और फटाफट मास्क लेते और बढ़ते आगे थोड़ी शांति की तरफ। और बाल देखो यार, अगले हफ्ते पक्का मैं काट दूंगा बाल, और आजकल पता नहीं बहुत टाइम से व्लॉग बना रहा हूँ तो अपनी आँखें यहाँ पर नहीं रह रही, यहाँ पर ऐसे मतलब स्क्रीन में देख रहा हूँ कि क्या मैं बात कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और बाकी ये देखो रास्ते पे व्लॉग चल रहा है हमारा इसका, और क्या बोलती पब्लिक। आरोग्य सेतु ऐप है तेरे पास? डाउनलोड करना पड़ेगा, और वी डोंट हैव सो मच टाइम कि अपन डाउनलोड कर तेरा मैं फटाफट आता हूँ। अंदर आ गए, कुणाल के पास आरोग्य सेतु नहीं था, डाउनलोड करने तक का टाइम नहीं था, सो फटाफट जाके अभी लेता हूँ और बस बात करते हैं आगे की। मास्क ले लिया, कुणाल कब से बाहर रुका था और मेरे को बहुत गाली दिया इसने, क्योंकि म्यूट कर दूंगा।
मास्क कैसा है वो बता। अच्छा है, बाल हम सही कर लेते और आगे मिलते हैं। ट्रैफिक है ना बॉस, इतनी है बोले तो तकलीफ। और जगह जगह पे सिग्नल लग जाते हैं, मतलब ऐसे छोटे मोटे भी सिग्नल नहीं यार, मतलब एक दो मिनट वाले दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, क्या बोले अब। अभी रास्पबेरी राइनोसॉरस के यहाँ से अंदर जा रहे थे, क्योंकि आगे वाला जो बीच है वहाँ पर वो लोग जाने नहीं देते अंदर, क्योंकि वो लोग कुछ बैरिकेड वैरिकेड लगा देते। यहाँ से जाने का था इंतज़ाम, पर यहाँ पर गणपति विसर्जन की वजह से ब्लॉक करके रखा है। और इस तरफ से हम वापस जाते हैं तो यहाँ पर कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, वो दिखेंगे। हाँ, तो वो चीर फाड़ के हम आ गए इस तरफ, तो वापस जाएंगे तो धर लेंगे, तो इसलिए हम जाएंगे सीधा सिल्वर सीज। गणपति के वजह से यहाँ पर भी ये रास्ता ब्लॉक करके रखा है, तो वी कांट गो आगे। और एनीवेज यहाँ पर खड़े रह के भी व्यू देखने का मतलब अलग ही मज़ा है। लाइक मुझे आप बोलो तो बीच पे मैं रोज आके बस ऐसे भी खड़े रहने बोलोगे तो मैं बस एंजॉय करूँगा। देखो यार, द वेव्स कमिंग हियर, द साउंड, पानी का आवाज़, शांति, किसको नहीं पसंद यार। बीचेज आम काइंड ऑफ बीच पर्सन, यू नो, बीच पर्सन, एडवेंचरियस पर्सन, मुझे नेचर पसंद है। धूप है बस वो प्रॉब्लम है, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट कुणाल को हो रही है क्योंकि उसके यहाँ ग्लेयर्स नहीं है। तो इफ़ यू आर कमिंग एज अ सन वन वाले दिन पे, जब ही सूरज उगा हुआ है, तो चश्मे मैंडेटरी है। वैसे आप लोगों को अभी शॉट्स दे देता हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा आप लोग टाइम लैप्स वगैरह देखोगे तो मज़ा आएगा आप लोगों को। खैर देखिए, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मार्च में मैंने कुछ स्टिकर्स लाए थे, पर ये लॉकडाउन के कारण मैं उसको डिलीवर नहीं कर पाया अपने दोस्तों तक, अपने व्यूअर्स तक। पर अब अपने पास टाइम भी है और अब सब कुरियर कंपनीज भी खुल गई है, तो अब कोई बहाना नहीं। आज हम करेंगे सब स्टिकर्स डिलीवर, मतलब जिसने हमको उनका एड्रेस भेजा उन व्यक्तियों को कुछ अच्छी तरीके से, ऐसे मतलब भेजने के लिए नहीं भेजते, मतलब हर एक को आप स्पेशल फील कराओ, वो भी आपको स्पेशल फील कराए। एनीवेज, मैंने कुछ ऐसे एनवलप्स बनाए हैं, 10 हो गए, 10-12 ऐसे एड्रेस यहाँ पर चिपकाया है, आप लोगों को नहीं दिखे वो फ्लैश के कारण। अभी मैंने बटर पेपर लाया है तो उसमें सब स्टिकर्स ऐसे रैप करूँगा फिर डालूँगा। और अभी हो रहा है 1:40, 2:00 को कुरियर का ऑफिस वो बंद हो जाएगा, तो फटाफट 10 मिनट में काम करता हूँ। एक्टिवा से जाऊँगा तो 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा, 10-15 मिनट में अपना काम ख़त्म करने को ट्राई करते हैं और सीधा भागते हैं। गॉड गाइस, लुक एट दिस, क्या है ये चीज़। अभी मैं जा रहा था तो देखा, आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ बताना। और वैसे यहाँ पर है सब पार्सल, और एक पंगा हो गया, मैं आप लोगों को बोला कि 2 बजे बंद हो जाएगा, अभी 2:15 हो रहा है, 2:15 हो रहा है और कुरियर ऑफिस बंद हो गया। तो एक कुरियर वाले अंकल दिखे मुझे, तो मैंने पूछा उनको कि 2 बजे तक ही चालू रहता है, तो उन्होंने बोला हाँ 2 बजे तक ही चालू रहता है अपना लोकल वाला, आपको अभी अर्जेंट में चाहिए तो आप 3 नंबर काटर रोड जो बोरिवली में है वहाँ पर जाके कर सकते हो डिलीवर। पर और एक उससे भी बड़ा पंगा हो गया है, मैंने लोगों का एड्रेस टिक किया है पर फ्रॉम वाला भी एड्रेस टिक करना पड़ता है, वो नहीं किया है। तो अभी फटाफट देखता हूँ मैं, कोई तो साइबर कैफे दिख जाए वहाँ से प्रिंट आउट लेके उस पर चिपका दूँगा वहाँ के वहाँ। एनीवेज बढ़ते हैं आगे, और एक पंगा हो गया,
अभी साइबर गया था तो उसके पास वो टाइपिंग वाला बंदा ही नहीं था जो मुझे एड्रेस टाइप करके दे, तो फटाफट मैंने वर्ड्स डाउनलोड किया, क्या आवाज़ आ रहा है, वर्ड्स डाउनलोड किया, उसमें फटाफट एड्रेस टाइप किया जितना अपने पास एनवलप से उतना, अब प्रिंट आउट लेके वहाँ पर काटूंगा और 3 बजे के पहले मुझे 3 नंबर काटर रोड पहुँचना है और ये हैंड ओवर करना है। यार कितनी दिक्कत, और धूप तो इतनी है, पसीना पसीना हो गई। पहुँच गया पोस्ट ऑफिस के यहाँ पर, अभी हो रहा है 1:41, तो अभी फटाफट अंदर जाएंगे और काम निपटाता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। और सब यहाँ पर काम चल रहा है यार, वहाँ पर भी खड़ा था, वहाँ पर भी रीच्ड हियर बट आई फॉरगॉट टू क्लोज दीज, तो नाम क्लोजिंग। जस्ट घर पे आया, कर दिया हमने कुरियर, अब 2 दिन में दिल्ली के पार्सल हो जाएंगे कुरियर और गुजरात के शायद कल परसों में ही हो जाएंगे और मुंबई के जो भी है वो आज हो जाएंगे शायद से, आज नहीं सॉरी कल हो जाएंगे, मतलब हमारा दिमाग ऐसे कैसे काम कर रहा है पता नहीं। और टीवी का आवाज़ आ रहा है अपने व्लॉग में, मतलब हमारे आवाज़ से ज़्यादा आजू बाजू के आवाज़ क्यों आ रहे हमें नहीं समझ आ रहा। एनीवेज गाइस, ये वीडियो आप लोगों को किसी भी रीज़न की वजह से पसंद आई होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना होगा तो कर देना, जो भी आपके सजेशंस हो, नया कुछ टॉपिक आप लोगों को मुझे बताना होगा मैं करूँ वो चीज़, और तो प्लीज़ बताना, ऐसे कमेंट फ्री होता है, सब कुछ फ्री होता है। और ये बाल आज हम अलविदा कहेंगे इन बालों को, क्योंकि बहुत परेशान कर दिया है तो बार बार गीले करके ऐसे पीछे करने पड़ते हैं, सो यू नो मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो वैसे ही बहुत बातें कर ली, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू व्हाट यू फील लाइक, ओके बाय।